राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कि एक भी पाकिस्तानी नागरिक छलनी नहीं हुआ, एक भी उनका सैनिक आहत नहीं। पाकिस्तान ने बालाकोट स्ट्राइक पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की एक टिप्पणी को समझने में गलती कर दी और उत्साहित होकर अपना झूठा दावा भी दोहरा दिया। गुरुवार को अहमदाबाद में बीजेपी की एक बैठक में सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में 26 फरवरी को की गई स्ट्राइक आतंकी कैंप पर की गई थी और इसमें किसी भी पाकिस्तानी नागरिक और सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा। इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान अनुवाद की गुगली में फंस गया और कहा कि उनका दावा सही साबित हुआ। इस्लामाबाद शुरुआत से ही कह रहा है कि पाकिस्तानी वायु सेना के पहुंचने के बाद भारतीय सैनिकों ने जल्दबाजी में बम गिराए और इस एयर स्ट्राइक में कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया, आखिरकार सच बाहर आ गया। उम्मीद है कि भारतीयों की 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान वायुसेना द्वारा भारतीय वायुसेना के दो जेट मार गिराने से इनकार और F-16 का सच भी बाहर आ जाएगा। दरअसल उनका इशारा था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के दावे की पुष्टि कर दी है कि भारतीय बम पहाड़ों में गिरे और मुख्य इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन अगर सुषमा स्वराज के बयान को देखें तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई भी आतंकी नहीं मारा, जिससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित होता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।